तेरी अम्मा की दाढ़ी। तो पुराना हो चुका है एंड बहुत फेड भी हो चुका है, तो उसको एक्सचेंज करते हैं। भाई साहब क्या अल्टीमेट लग रहा है इस बार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो यार अपनी सुबह हो रही है अपने भाई रजत के रूम से एंड अभी धूप आ चुकी है, बहुत चटक धूप लग रही है अभी से एंड अभी अपना भाई सोया हुआ है एंड यहाँ का माहौल देखो भाई कितनी शांति है यहाँ कोई एंड यहाँ पे लीची लगे हुए देखो यहाँ पे पौधे होते हैं। दूसरी साइड में जाएंगे ना अगर हम तो वहाँ पे आम आम लगे हुए हैं ये देखो मस्त और बढ़िया करके भी मस्त फेंक रही हैं। तो अभी चलते हैं रूम पे, अपना भाई तो सोया हुआ ही है तो फैसा वैसा होते हैं उसके बाद देखते हैं आज का प्लान क्या होता है। तो यार यहाँ पे आ चुका अपना नाश्ता, भाई भी सोया उठे ये। तो यार यहाँ पे आ गया अपना आलू पराठा, दो आलू पराठा सॉस। उठ भाई का फुल पैक होके आया है क्योंकि इसने टिफिन सिस्टम लगा रखा ना, तो लग जाए इसका नाश्ता लंच डिनर सब पैक होके आता है। चलते हैं कैसा हुआ है, पहले सॉस डाल लेते हैं। सॉरी आलू का पराठा नहीं, प्याज में पराठा रहा ये भगवान, मेरे आलू का पराठा करके खुश हो रहा था, प्याज का पराठा दे दिया। तो यार नाश्ता तो हो चुका है एंड अब बारी है पतंगे लगाने की एंड अभी कैच भी लेके चलते हैं क्योंकि मेरे बाइक में दूसरा पतंगा लगा है पहले से, तो पुराना हो चुका है एंड बहुत फेड भी हो चुका है तो उसको एक्सचेंज करते हैं। ये रही अपनी बाइक, फुल कल धुलाई थी, पॉलिश वॉलिश कराया था चमचमाते हुए, बट अभी हल्की सी थोड़ी धूल मिट्टी बैठ गई है तो इसका फटाफट इसको निकालते इस पतंगे को। ये देखो कैसे फेड हो गई है पतंग, अब एकदम ब्रांड न्यू लगेगा, वाह मज़ा आ जाएगा। ये देखिए अरे यार उल्टा लगाया मुझे, बिल्कुल नया नया कितना अच्छा लगता है, उल्टा लगा दिया पर ये उल्टा आदमी उल्टा लगा कर बैठ रहा है, अब ये फिर से लगाएगा। यह फाइनली नया वाला फ्लैग लग चुका है एंड अब चलते हैं यहाँ से पैदल पैदल चाय पीने के लिए, सुबह की चाय नहीं पिए तो चाय पीने चलते हैं। भाई भी जग चुका है, नाश्ता कर लिया इसने भी, फिर उसके बाद देखते हैं। फिलहाल अभी मौसम ना थोड़ा चेंज हो रहा है, सुबह धूप आई थी फिर चली गई, अब फिर से हल्की हल्की आने जैसी हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ पर पढ़ाई का जज्बा इतना है कि उतना पढ़ा भाई बंदा कितना गजब फेंक दे रहा है। तो फिलहाल अभी चाय पीने चलते हैं। तो यार हमने तो चाय पी ली है, भाई ने लस्सी पी ली है, बिल्कुल मजा नहीं आया जिसमें, बिल्कुल 60 रुपए चले गए बेफालतू के। तो चलते हैं फिर से रूम की ओर। तो यार कमरे में तो हम बैठे ही थे थोड़ी देर तक, ये देखो मौसम चेंज हो गया पूरा, बारिश आ रही आ गई है एंड कैसी बिजली कड़क रही है भयंकर गंदी वाली। आज का प्लान भूस होने वाला है, कल भी प्लान कर रहे थे वो भी भूस हुआ एंड आज तो बहुत ही कर रहे थे बट आज तो वैसे ही मौसम ने बिगाड़ दिया है। तो अपनी गाड़ी भी अच्छी खासी धुली हुई थी और धुल गई। तो यार हम लोग तो निकल चुके हैं रूम से एंड अभी जा रहे हैं हम लोग अपने साथ लोगों के वहाँ, क्योंकि अभी मस्त मौसम हो चुका है, मौसम भी खुल चुका है यार, धूप निकल चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले तो बारिश हो ही रही थी बट अब ठीक है, फटाफट से साथ लोग चलते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, क्या पता वो लोग आएंगे तो फिर घूमने चलते हैं, नहीं तो वैसे हमारा प्लान बन चुका है हम दोनों भाई का, आगे तो हम लोग ही जाने वाले हैं कहीं एक जगह। तो अभी चलते हैं एंड देखते हैं कहाँ का होता है अभी प्लान, दोस्तों लोग के साथ का होता है या हम दोनों अकेले का ही होता है, तो लेट्स सी चलो।
यार हम लोग तो पहुंच गए सातों लोग के वहाँ एंड देखते हैं अब क्या होता है प्लान। बाइक का लाइनअप आज कुछ ऐसा है 125 200 250 तीन के तीन ड्यूक एक गाड़ी और है अभी अपना साथ हो तो आगे भी मिलेगा मजा आ रहा है। तो अभी थोड़े से आगे तक के लिए भाई ये भी ट्रिपलिंग कर रहे हैं अपना फिर आगे से सब लोग डबल डबल हो जाएंगे सही हो जाएगा। एंड अभी कहाँ जा रहे हैं बताता हूँ मैं आपको पहले एक बार सब मिल जाए। यार अभी सब भाई लोग आ चुके हैं एंड सब पे अपने अपने सवारी बैठ चुके हैं तो अब निकलते हैं यहाँ से मसूरी के लिए। अभी जा रहे हैं सैलर लाइन से तो सब लोग आ चुके हैं अपने ऑन सेट। ये है एक तेरी अम्मा की दाढ़ी टूटी है। तो ये है एक गाड़ी अपनी ड्यूक 200 फिर उसके आगे है अपने भाई फॉर्म भाई की R15 फिर उसके बाद आगे है अपनी ड्यूक 250 अपना गुनीत भाई फिर उसके आगे अपना दीपेश भाई स्कूटी में। तो यार यहाँ पे हो चुकी है बाइक एक्सचेंज। मैं चला रहा हूँ R15 एंड अपना पॉम भाई चला रहे मेरी ड्यूक एंड अभी हम दोनों ही चल रहे हैं इस लाइन से। ये लाइन है अभी सैदरा लाइन हमें निकलना है मसूरी और हम उल्टा घूमते हुए जा रहे हैं। एंड अपने साथ वाले वो पहले ही रुक गए तेल भराने के लिए उन्होंने बोला ही नहीं और हम लोग सीधे सीधे हवा बंद के आ गए। तो अब हम भी मसूरी लाइन पे ही भराएंगे अपना पेट्रोल एंड वहीं पे मीटअप करते हैं उनसे। गाड़ी में तो तेल भी भरा लिया है एंड अपने साथ वाले ऊपर शिव मंदिर पहुंच चुके हैं एंड हमारी उसमें से एक हीरोइन है जो कुछ पता तो है नहीं कहाँ हम पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे पर खाली हाँ हाँ कर रही है फोन कर रहे हैं यहाँ पहुंचे हाँ हाँ कर रही है वहाँ पहुंचे हाँ हाँ कर रही है। तो फाइनली वो लोग शिव मंदिर में पहुंच चुके ऊपर एंड हम फटाफट से हम भी चलते हैं हम भी मेन मसूरी रोड में ही थे तो चलते हैं इनको वहीं पे मीटअप करते। My own world of make-believe Kids screaming in the crate देखो देखो सब अरे भाई सब इतना रेस मत लगाओ बच्चों To breathe, but that's alright Hush अल्टीमेट व्यू आता है देहरादून का। तो यार मैगी पॉइंट पे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेके अब निकल गए यहाँ से मसूरी के लिए एंड फटाफट से मसूरी चलते हैं। मसूरी में कहाँ जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं यहाँ से दलाई हिल। तो चलो फटाफट फिलहाल अभी मौसम तो मस्त साथ दे रहा है थोड़ा गर्म भी हो रहा है पर ठीक है रह लेंगे। सुबह तो गंदा ही मौसम हो रहा था बारिश आके बड़ा बढ़िया हो गया मौसम भगवान भी चाहता है कि तुम घूमो करके। तो यार यहाँ पे दिख रहे हो जो भीड़ है क्योंकि यहाँ पे जाम लगा हुआ था एंड अभी ये गाड़ी ख़राब हो रही है तो इसको लेने के लिए आ रही है क्रेन अपनी बाइक तो उधर पे पार्क हो रही है। तो यार फाइनली हम लोग पहुँच गए दलाई इसके एंट्रेंस से पहुँचे अभी अंदर नहीं पहुँचे 4:45 हो गया एंड सब लोग ऊपर चलते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले था इतना भयंकर जाम लगा था यहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिल पा रही थी बट अभी फिर भी पार्किंग मिल रही है। कुछ बोल रहे हैं क्या आज तक में आएगा डायरेक्ट। फाइनली दलाई इसका पहला एंट्रेंस का मिल गया सभी लोग यहाँ पे पहले से ऊपर हैं
आप तब नहीं आई है, थोड़ी पार्किंग की सुविधा नहीं हो पा रही थी ना, तब हो रहा था। अब बस यहाँ से 2 मिनट का चढ़ाई चढ़ना है एंड फिर हम होंगे दलाई हिल्स में। पकड़ दिया है, बहुत भारी है, पकड़ दिया रुदू। भाई साहब क्या अल्टीमेट लग रहा है इस बार, क्योंकि पतंगे बहुत ज्यादा हो रखे ना, तब अल्टीमेट व्यू आ रहा है एकदम। दो हिरेन लोग, इस बार ना यहाँ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे बाहर बताया था। यहाँ भी अच्छा कर रखा है कि इस बार बैठने वाला बना दिया है, इधर भी बैठक बना रखा है, इसमें कलर हो चुका है बढ़िया मस्त, एंड यहाँ पे भी मस्त बना रखा है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिलाते हुए बढ़िया, ऐसा लग रहा शादी में आए जैसे जैसे बैठ रहे लोग। तो यार यहाँ से तो हम निकल चुके हैं दलाई हिल्स से, अभी नीचे को आ गए, अपने सारे दोस्त लोग जा चुके हैं पहले ही, हम लोग अभी पीछे पीछे लेट आ रहे हैं, खाना के लिए रुकेंगे हम। छोटू ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो अभी रास्ते में रुके हैं टैडी एडीज के लिए यहाँ पे, यहाँ से अभी वापस ही मैगी मैगी पॉइंट में रुकेंगे जब तक इनका शॉपिंग वॉपिंग चलता है। शॉपिंग चल रहा है या खाली देखने आए हैं एडम में, बट देख तो रहे इच्छुक है इन लोगों का। यार यहाँ पे आ चुके अपना सबका चिकन फ्राइड राइस, बस थाली बड़ा है और फैला के दे रखा है बस, भाई का तो पराठा आया अलग से स्पेशल। फिलहाल अभी हमें मैगी पॉइंट में तो फटाफट बस खाते हैं, चाय भी पहुँच गया अपना, ठीक हो गया चलो। तो फाइनली अभी सब खाना पीना हो चुका है एंड अभी समय हो गया आपका 8 बज गया भयंकर, अभी तक हम मैगी पॉइंट में ही है सब चलते एंड ये ले लिया दीपिका ने, खरीद लिया रास्ते से ही रास्ते से ही कहा तो सब लोग जा चुके हैं, तो चलते हैं अभी नाइट व्यू। तो यार फाइनली अभी रूम पे पहुंच गए, अभी अपने भाई के रूम पे पहुंचे हैं, अभी समय हो गया आपका 9:45, जस्ट अभी पहुंचे रूम पे एंड खाना पीना भी होना बाकी है, क्योंकि वहाँ पे अभी हमने हल्का फुल्का ही खाया था, सारा टाइम से खा लेंगे घर पहुंच के खा लेंगे, बट यहाँ पे ओवर टाइम हो चुका है, तो अभी चलते हैं मार्केट में खाना कुछ खाने पीने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं कर लेते हैं, आई होप कुछ अच्छा लगा, बड़ी अच्छा लगा तो सबको बताइए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बाय बाय, एपिसोड में सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना, बाय बाय।